हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी की फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल अच्छे हैं। सो यस आई एम गोइंग टू आगरा है ना। सो सडन प्लान बना हमारा जाने का और क्या है पूरी कहानी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं ज़रा बस में हूँ, थोड़ी सी अनकम्फर्ट भी हूँ, सो मैं आपको बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय कीजिए। सो हेलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में सडनली ये प्लानिंग कैसे बनी थी। असल हुआ ये कि काफ़ी टाइम से ना, मतलब मेरा एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम ना बार बार उसकी डेट पोस्टपोन होती जा रही थी, कभी कोई दिक्कत, कभी कुछ ना। इसकी वजह से अब फाइनली मेरा एग्ज़ाम है और हमारा वैसे बहुत टाइम से प्लान भी था कि हम लोग घूमने जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप घूमने नहीं जा पाते, लेकिन जब आपको कोई काम होता है तो उसके बहाने से घूम लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सना का भी एक एग्ज़ाम था, वो बिहार था, मैं बिहार भी जाने वाली थी, लेकिन फिर क्योंकि बिहार का जो सफ़र होता है ना, तो वो 2-3 दिन का होता है ट्रेन से, इसलिए मैं उसके साथ जा नहीं पाई थी। और इस टाइम पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, बुशरा है, बच्चे हैं, हम लोग जा रहे हैं आगरा, वहीं पर मेरा एग्ज़ाम भी है और उसके बाद हम फतेहपुर सीकरी भी जाएंगे घूमने के लिए। और देखते हैं हम क्या करते हैं बाकी टाइम के ऊपर, जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम घूम लेंगे थोड़ा बहुत, बाकी जो काम है पहले वो करेंगे उसके बाद घूमेंगे। सो आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी आगरा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से दिखा सकूँ ब्लॉग के जरिए आप सभी को। सो बस स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला है बहुत। अभी हम फिलहाल रास्ते में ही है, ऑन द वे, मिलते हैं आपसे बाद में, मिलते हैं। ओके मुझे खुद नहीं पता, सोती तो मुझे नहीं पता क्या। हाँ मैं तो खुद सो रही थी, मुझे नहीं पता भाई कहाँ है। अब ये झारखंड पारखंड मुझे नहीं पता भैया, ये होटल आई डोंट नो हम कहाँ पर हैं। होटल इनके पास पैसे हाथ ना जाएंगे तो ये सोचेंगे हम बस सब चीज़ें खाएंगे, कहीं भी जाएंगे मोमोज खाएंगे। जो वहाँ क्या है हॉट हॉट एंड जूसी क्या एटी सिनेमैटिक में बन रहा था पूरा सिनेमा। और हम यहाँ पर रुके हुए हैं, क्या नाम है इसका लोकेशन का मैजिक फूड जोन, मैजिक फूड जोन है, लोकेशन का मैं पता नहीं क्या है। इधर आए थे दादा को सामने और ये हम यहाँ पर आई डोंट नो हम कितना अभी घंटे लगेंगे अभी पता नहीं, शायद अभी भैया वो कह रहे थे कि अभी इतना टाइम लग जाएगा, 2-2.5 घंटे तो ना हो चुके हैं ट्रैवल करते करते, अभी और टाइम लग जाएगा। चलो लेकिन देखते हैं इससे पहुँचते हैं, अभी फिलहाल तो बस पापड़ अरुषा को भी दो पापड़। सच में मैं इतना बोर हो चुकी हूँ ना, इतना बोर हो चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। असल में जब मैं जैसे कि मतलब मैं नेट पर देखती थी तो मुझे लगता था कि शायद 2 या 3 घंटे का सफ़र होता होगा, लेकिन हम 11:15 के चले, यानी कि 11:15 के हम चले हुए हैं और अभी तक पहुँचने का नाम नहीं है, 2 से ज़्यादा बज चुके हैं। बोर हो गई मैं बहुत ज़्यादा सच में, ऊपर से गर्मी लग रही है, इतने सारे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मुझे लगा था बहुत ठंड होगी। जब मैं निकली थी तो बहुत ठंड थी, इसलिए ना मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए और मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है। मैं कैब भी उतार सकती क्योंकि मेरे पूरा निशान हो गया वहाँ कैब का, थक गई हूँ बहुत सच में, पता नहीं कब पहुँचेंगे। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं
देखिए मैं हमारी बस ने हमें यहाँ पे उतारा है, अब हम यहाँ से ऑटो लेंगे और देखते हैं अभी हम कहाँ जाएंगे। हमने रिक्शा किया है अभी और हम दिखा देंगे। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं ताजमहल और जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर वो होटल हमने वो ले लिया है, वहाँ पर सारा सामान शिफ्ट करके अब हम लोग आ गए हैं ताजमहल। और यहाँ पे सब ऐसे देखते हैं घूर घूर के, यूपी है ना असल में, इसलिए यूपी बिहार ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस वो तो सब देखते हैं जब हम ब्लॉगिंग करते तो कोई ना कोई देखता रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, अब हम अंदर जाएंगे, अंदर से आपको सारा ही दिखाएंगे ताज। सुनो ना संगे मरमर, ये मीनारों कुछ भी नहीं है। सो असल में ये था कि आज तो हम लोग घूमेंगे और कल मेरा एग्ज़ाम है, तो कल मैं एग्ज़ाम दूंगी और आपसे मिलती हूँ फिर मैं घर जाकर, आई मीन जो रूम लिया है वहाँ पर। अभी तो फिलहाल अभी यहाँ घूमेंगे तो देखना। अब हम जाएंगे छोटे से सवारी से आगे, हम आइडिया लगा लेंगे कि हम कितने दूर हैं। और हम आ चुके हैं यहाँ पर, टिकट काउंटर जाना है अभी, वहाँ पीछे भी हम मिले थे गाइड थोड़े से, तो उन्होंने बोला कि वो गाइड कराएंगे अच्छे से और टिकट भी फ्री देंगे, मतलब थोड़ा सस्ता देंगे, लेकिन हमने सोचा कि हम आगे जाके बात करते हैं जहाँ से मेन टिकट काउंटर है, तो वहीं पे चलते हैं और टिकट वहीं से लेते हैं। टिकट ले लिया हमने, अब हम चलते हैं ताज की ओर। बच्चों इधर से आओ, पीछे से आए निकल आता है। फ्रेंड्स ऐसा हुआ हमारे साथ में, कसम से मेरा माइक्रोफोन भी निकलवा दिया, यहाँ पे चेकिंग इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होती है, माइक्रोफोन निकलवा दिया और पर्स वर्स चेक किया दो दिन बाद, फिर लॉकर मैंने ट्राई किया यहाँ पे जाकर, लॉकर में सामान रखवाया, इतनी सारी दिक्कत है। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। हम खुद जाएंगे और ऐसे देखेंगे और ऐसे पता करेंगे और आपको वैसे बता देंगे। सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो ना हो सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताज वो शमा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है ये ताजमहल का, और अंदर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें अंदर से भी अभी, लेकिन दूर से देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है ये जगह, बहुत प्यारा लग रहा है।
माशाल्लाह मोहब्बत की मिसाल ताजमहल। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? पानी पिलाएंगे वहाँ पे, अब बाहर निकल के पानी पीना पड़ेगा। पहले हम वहाँ जाएंगे ऊपर, उसके बाद पानी पियोगे। ये हमने ले लिए शूज ले लिए हमने, यहाँ पे उसको पहनेंगे हम जब हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर। को यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग मतलब दोबारा से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया। दिल्ली से पूरा यूपी तक का व्लॉग है, आगरा तक का। सो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और हालांकि मैंने कुछ इसमें डिस्क्राइब नहीं किया, कुछ बताया नहीं किस चीज़ के बारे में, बस अभी फ़िलहाल इतना ही। आज तो फ़िलहाल हम ऐसे ही घूमेंगे सभी जगह, और कल मेरा एग्ज़ाम होगा 2-3 घंटे का, उसके बाद फिर हम कहीं घूमेंगे। सो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नया व्लॉग दोबारा शुरू कर रही हूँ, अंदर जाएंगे वो पूरा व्लॉग आपको दिखेगा अंदर का। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।